सो गाइस फाइनली ओवरऑल कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन के बाद बाइक का लुक कुछ ऐसा है जैसे कि आप फ्रंट से देख सकते हैं। तो अभी जो है लीवर गार्ड वगैरह लगाने के बाद बाइक थोड़ा और भी ज़्यादा मतलब हैवी और बल्की सुपर स्पोर्ट्स बाइक जैसा लग रहा है। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आई होप आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोगों ने क्या कुछ कस्टमाइजेशन किया था, बाकी इंजन ऑयल और इंजन ऑयल एडिटिव फ्लॉस वगैरह यूज़ किया था अपने बाइक के अंदर, और उसका 1000 किलोमीटर राइडिंग करने के बाद प्रॉपर रिव्यू भी दिया था। तो इस वीडियो को ज़रूर से जाके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी चलते हैं आज के मुद्दे पर। तो अभी जो है प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था दो चीज़ जो है मैंने दिल्ली से मंगवाया था, तो फाइनली वो आ चुका है। तो चलिए उनका कुछ थोड़ा मोड़ा अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो गाइस फाइनली ये हमारा पैकेज यानी कि पार्सल जिसका हम करने वाले हैं क्विक अनबॉक्सिंग। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं एकदम अच्छा खासा है। तो सबसे पहले यहाँ से मैंने जो ऑर्डर किया था वो निकल रहा है, ये जो कि है लीवर प्रोटेक्टर जिसको आप देख सकते हैं कार्बन फाइबर फिनिशिंग के, और उसके साथ साथ मैंने कुछ स्क्रू प्रोटेक्टर्स भी ऑर्डर किए थे अपने दोस्तों के लिए, और उसके साथ साथ मैंने ऑर्डर किया था बाराकूडा की तरफ से हैंडल ग्रिप्स जो कि आपको लेफ्ट और राइट साइड का मिल जाएगा। तो यही था हमारा ओवरऑल पैकेजिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले था हमारा बाराकूडा की तरफ से हैंडल ग्रिप्स, और दूसरी तरफ है हमारा कार्बन फाइबर फिनिशिंग के साथ साथ हमारा लीवर प्रोटेक्टर्स। तो इसके अंदर जो है आपको अलग अलग कलर्स के डिज़ाइन भी मिल सकते हैं, यानी कि अगर आपका ब्लू या फिर ग्रे या फिर रेड या फिर कोई भी कलर का कार्बन फाइबर हो आप अपने बाइक के हिसाब से मैचिंग करके ले सकते हैं। तो इसके साथ साथ नीचे आप देख सकते हैं कुछ स्क्रू प्रोटेक्टर्स है जिनको मैंने ऑर्डर किया अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि स्क्रू प्रोटेक्टर्स जो है मैंने प्रीवियसली इंस्टॉल कर दिए थे अपने बाइक में, तो दोस्त लोग को देख के मतलब अच्छा लगा तो उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था लाने के लिए, तो बस यहीं से मैंने ऑर्डर कर दिया था। सो फाइनली आप ये सोच रहे होंगे मैं इन सबको कहाँ से ऑर्डर किया, सो फाइनली बता देता हूँ। तो मैंने ऑर्डर किया है जो ये सब प्रोडक्ट्स को वो है PGX ऑक्टो एसेसरीज से, तो जिनका शॉप है दिल्ली में। तो जो लोग भी दिल्ली में मतलब प्लेस्ड है यानी कि जिनका घर दिल्ली में है उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा बहुत ही फेमस और पॉपुलर शॉप है। तो इसके साथ साथ जो है आप इनका सर्विस जो है ऑल ओवर इंडिया के थ्रू मतलब यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ अभी इन सब चीज़ों का मैंने जो ऑर्डर किया है जैसे कि आप देख सकते हैं सामने ये, तो इन सब का डिलीवरी चार्जेस मुझे आ गया लगभग 200 रुपये। तो इनका हर एक ऑर्डर का जो है एवरेज प्राइस 150 से 250 रुपये के अंदर होता है, इतना डिलीवरी चार्ज कम से कम होता ही है क्योंकि इतना दूर से आता है और इतना सेफ्टी के साथ। और बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको डाउट करने की ज़रा सी भी मतलब कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं जेन्युइन प्रोडक्ट्स है और मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और इसी वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ प्रोडक्ट से और जेन्युइनली रिकमेंड भी करूँगा। सो फाइनली ये आप देख सकते हैं यही था ओवरऑल प्रोडक्ट्स। तो नीचे इनका मैं इंस्टाग्राम हैंडल दे देता हूँ, वहाँ से आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बात करके अपने बाइक के लिए कोई भी कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन के लिए बेस्ट चीज़ जो है परचेस कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ लंच के बाद गैरेज में, और पीछे आप देख सकते हैं बाइक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा काम। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है थोड़ा डिस्टेंस रह रहा है, इसी वजह से ये जो रबर है थोड़ा ग्रिप क्रिएट कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा हैंडल बार जो है यहाँ अंदर तक है पर रबर जो है थोड़ा बाहर रह रहा है, अगर इसी वजह से हम इसको अंदर ले लेते हैं तो ग्रिप जो है प्रॉब्लम कर सकता है। तो हम सोच रहे हैं जो इसको जो यहाँ से कट कर लेंगे ताकि ये जो है थोड़ा और अंदर घुस जाए और थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टाइल से ज़्यादा, क्योंकि इसका काम अल्टीमेटली सेफ्टी देना ही है, स्टाइल तो बाद में ही देगा। तो इसको मैं सोच रहा हूँ कट करने के लिए, तो कट करके देखते हैं। सो फाइनली ये जो है अंदर तक घुस गए, तो अभी जो है हम इसको टाइट कर सकते हैं आराम से। लुक ये भी सही है। सो गाइस ये वाला ग्रिप जो है बहुत हार्ड हो गया था, निकल नहीं रहा था, इसी वजह से हम इसको काट दे रहे हैं। इसको बस फेंकने ही वाले, कुछ काम ऐसा है नहीं इसका, तो काम जिससे आसानी में हो वही करना चाहिए, काट दो इसे बीच में से। बहुत
बहुत तकलीफ दिया है तुम्हें। तो ये वाला साइड तो हमने कट कर ही लिया है, उसका पर नेसेसरी नहीं है, फिर भी हम कट कर लेंगे क्योंकि लुक थोड़ा सेम जैसा आना चाहिए। ये वाला जैसे एंड टू एंड वो वाला भी सेम ही रहेगा। हाँ ठीक है, ब्रांडिंग ठीक है, कट दो। सो गाइज अभी इसको सेट करने के चक्कर में ये निकल गया, तो इसके लिए अभी गया था मैं स्क्रू लाने के लिए, थोड़ा लंबा वाला स्क्रू लेके आया हूँ, इसके थ्रू जो है हम टाइट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सो गाइज आज है नेक्स्ट डे, तो कल हमारा जो लीवर प्रोटेक्टर था और ग्रिप था वो दोनों को हम लोगों ने डाल दिया है, तो आज है नेक्स्ट डे। आज दो और चीज़ें हमें डालना था, तो क्यों मैंने सोचा क्यों ना उन दोनों पार्ट्स को मैं डाल रहा हूँ इसी ब्लॉग में डाल दूँ, उनको अलग ब्लॉग में डालता तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो दिखाता हूँ क्या है प्रोडक्ट। तो सबसे पहला पार्ट है ये आप देख सकते हैं लेग गार्ड, जो कि है कौन सा साइड का भाई, ये शायद हमारा लेफ्ट साइड का, हाँ लेफ्ट साइड का ही है और फ्रंट वाला। तो इसका प्राइस आप देख सकते हैं 88 रुपीज़, और उसके साथ साथ मैं दिखाता हूँ और क्या है। और गाइज उसके साथ साथ ये है फ्रंट के ब्रेक पैड्स, तो इसका प्राइस भी आपको दिखा देता हूँ, जो कि 428। और ये दोनों चीज़ों को मैंने जो है यामाहा के सर्विस सेंटर से ही परचेज किया, यानी कि जेन्युइन प्रोडक्ट से। तो पहले जो है फ्रंट के ब्रेक पैड से आवाज़ आ रहा था, तो अभी उसको मतलब खोल के देखेंगे, अगर ख़त्म हो गया होगा तो इसको डाल देंगे। तो इसको जो है घर पे मैंने अनबॉक्सिंग जैसा कर लिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं अपने बाइक के अंदर। सो गाइस जी आप देख सकते हैं कितना कितना है, एक साइड का थोड़ा ज़्यादा है, दूसरा साइड ज़्यादा घिस गया है। आपको कंपेयर करने के लिए दिखाता हूँ, सुपर वाले रहे पुराने और ये रहे नए, तो कंपैरिजन के लिए आप देख सकते हैं दोनों का हाइट वगैरह कितना रहता है क्या है। इसका हाइट इतना ज़्यादा है और इसका एकदम घिस गया है, कुछ है ही नहीं, बच्चा नहीं अभी। उसको दिखाने के चक्कर में मेरा हाथ भी गंदा हो गया, बाद में साफ कर लेंगे, तो अभी चेंज कर लेते हैं ब्रेक्स पर। सो गाइस मैं मतलब आ गया हूँ गैरेज से, क्योंकि गैरेज का काम सारा हो गया था खत्म, और डिस्प्ले जो है अच्छे से इंस्टॉल कर लिया था, तो अभी दिखाता हूँ बाइक का प्रॉपर लुक। सो गाइस फाइनली ओवरऑल कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन के बाद बाइक का लुक कुछ ऐसा है, जैसे कि आप फ्रंट से देख सकते हैं। तो अभी जो है लीवर गार्ड वगैरह लगाने के बाद बाइक थोड़ा और भी ज़्यादा मतलब हेवी और बल्कि सुपर स्पोर्ट्स बाइक जैसा लग रहा है। तो आई होप ये लुक आपको अच्छा लग रहा होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और बाकी अभी आपको दिखाता हूँ कॉकपिट से लुक, मतलब कॉकपिट से लुक। सो यहाँ से देख सकते हैं कैसा लग रहा है, तो हैंडल अगर बैठ के भी दिखाता हूँ एक मिनट। हाँ तो अभी आप देख सकते हैं लुक एकदम कैसा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ का जो है लीवर प्रोटेक्टर है, जो मिरर को मतलब कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि पहले जो है हैंडल मतलब अंदर तक था थोड़ा, क्योंकि लीवर प्रोटेक्टर नहीं था, तो इसी वजह से मिरर थोड़ा ज़्यादा वाइड लगता था हैंडल के कंपैरिजन में, वरना बाइक को देखा जाए तो फेयरिंग इतना बड़ा है कि मतलब मैच हो ही जाता है। पर अभी देख सकते हैं ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, आपको बताना कैसा लग रहा है। तो बाकी ये तो हो गया फ्रंट का जो था क्या बाराकूटा का लीवर प्रोटेक्टर, और इसके साथ साथ मैंने ये जो लीवर प्रोटेक्टर ऑर्डर किया था इसको मैंने कार्बन फाइबर डिज़ाइन में ऑर्डर किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टिकरिंग वगैरह भी जो हुआ है सब टैंक पैड के ऊपर, ये सब कार्बन फाइबर के डिज़ाइन में ही है, तो इसी वजह से ये सब जो है एक दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चल रहे हैं, तो बाइक का लुक जो है कुछ ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। तो अभी चलते हैं क्या इसके तरफ, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने नया इंस्टॉल कर दिया है। तो बाइक जो है इन सब छोटी चीज़ों से ही नया या पुराना पता चल जाता है, तो पुराना वाला जैसे कि आपने देखा हुआ घिस गया था, तो अभी इस पर जो है ग्रिप थोड़ा अच्छा आएगा। तो बीच में जो है कुछ दिनों पहले ही मैं गैरेज में जाके इस साइड वाला को जो है नया डाल दिया था, फिलहाल यहाँ पर कुछ लग गया है, वरना ये भी एक नया ही है। तो इस तरफ तो डाल ही दिया था, मैंने सोचा उस तरफ क्यों ना डाला जाए, तो उस तरफ भी मैंने डाल दिया है।
और बाकी ब्रेक पैड तो अभी आपको अंदर दिखा नहीं सकता, फिर भी अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, मुझे तो दिख रहा है, होप कैमरा भी फोकस कर सके। तो पुराना वाला ब्रेक पैड्स जो था घिस गया था, इसी चक्कर में जो है डिस्क घिस जाता अगर ज़्यादा दिन में रख लेता तो, ऐसा है तो अच्छा हुआ है। और बाकी MRF का जो ब्रांडिंग है दोनों तरफ आप देख सकते हैं, मैंने उसको हाईलाइट किया था घर पे ही, बताना कैसा लग रहा है, पीछे नहीं किया है सिर्फ आगे किया है। और बाकी इन सब के साथ साथ अभी तो बस यही काम था, तो आगे मेरा नेक्स्ट काम होगा इसको कैसे जो है क्या ठीक करें, क्योंकि अभी ये ही पार्ट है जो बाइक को पुराना मतलब फील करवा रहा है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई ऐसा पार्ट है। सो गाइस आई होप ये सब जितना सारा चेंजेस हुआ है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगा भी होगा। तो इसके साथ साथ और कुछ अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा इस बाइक के साथ मैं एक्सपेरिमेंट करूँ, यानी कि चेंजेस कस्टमाइजेशन करूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, ताकि अगर मुझे भी अच्छा लगे तो मैं ट्राई करूँ। और हाँ एक बात बता दूँ, आगे आ रहा है वैलेंटाइन वीक, तो हम तो बाइकर से सिंगल लोग है, हमारा बाइक के साथ ही हमारा रिश्ता है, तो सोच रहा हूँ उसी वीक के अंदर एक अच्छा सा राइड किया जाए, क्योंकि दिसंबर के बाद से कोई राइड हुआ भी नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। तो अगर टाइम मिला तो ज़रूर से एक राइड करेंगे, और उसका भी जो है वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा इसी चैनल में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो, ताकि नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोगों को मिल जाए। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ।